मित्रों नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे साथ रंगकर्मी और पटकथा लेखक राजेश दुबे जी हैं। जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से उनका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मित्रों आप जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पटकथा लेखन पर एक सीरीज का आयोजन कर रहे हैं और इसमें हमारे देश के कई महत्वपूर्ण पटकथाकार यहाँ उपस्थित हुए हैं और उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बातचीत की है और इस विधा को लेकर जिस तरह की जरूरत है लोगों के बीच इसके इसके प्रचार प्रसार को लेकर, इसके व्याकरण को लेकर, इसकी शैली को लेकर उस पर बातचीत की है। उसी कड़ी में आज हमारे साथ बालिका वधु फेम लेखक राजेश दुबे जी साथ हैं। इंदौर से लेकर मुंबई तक की इनकी एक सुदीर्घ यात्रा है और रंग कर्म से लेकर टेलीविजन लेखन तक ये लगातार सक्रिय है। मुंबई में फिल्म और टेलीविजन जगत से जुड़े लेखकों के हित के लिए भी ये कई स्तरों पर प्रयासरत हैं। मित्रों आज हम राजेश दुबे जी को सुनेंगे और इनके अनुभव से कुछ यह जानने समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे नए साथी अगर इस विधा में पटकथा लेखन में आना चाहते हैं तो किस तरह से उनकी शुरुआत हो और वे किस तरह से आगे बढ़े। राजेश जी हम हम पटकथा लेखन पर आगे बातचीत करें इससे पहले हमारे कुछ साथियों के लिए थोड़ा यह उचित होगा कि वे आपकी यात्रा को भी जानें और समझें। हालांकि कई जगहों पर आपके बारे में जानकारी उपलब्ध है फिर भी कई बार एक प्रामाणिकता के लिए, कुछ रोचकता के लिए आवश्यक होता है कि हम स्वयं उस शख्सियत से उसकी यात्रा को समझें। राजेश जी। हाँ जी जी कुछ अपनी कुछ यात्रा के बारे में बताएं। अपनी यात्रा वही जो सारे लेखकों की होती है। मेन ये समझ लीजिए कि मैं बंबई राइटर ही बनने के लिए आया था। ऐसा नहीं कि एक्टिंग करने आया और राइटिंग करने लगा वगैरह, नहीं, मैं राइटिंग ही करने आया था। मुझे लाया गया था राइटिंग करने के लिए और आके सीधा मैंने राइटिंग में ही हाथ डाला और लिखने लगा और तब से अभी तक लिख रहा हूँ। कहाँ पहुँचा है मेरा लेखन ये तो आप लोग जाने, बट कोशिश कर रहा हूँ। 95 में मैं बॉम्बे आया था, तब से यहाँ पर टिका हुआ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और थोड़ा SWA स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के साथ भी काम करने की कोशिश मैंने की है इतने सालों में, कुछ 10-11 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ। कुछ नए राइटर्स के लिए, नए लोगों के लिए हम कुछ कर सकें या पुराने जो राइटर्स कम्युनिटी है इसके लिए कोई लड़ाई, इसके अधिकारों के लिए हम लड़ सकें, इसकी कोशिश हम लोग उसमें भी करते हैं। और व्यक्तिगत रूप से जो लोग मेरे पास आते हैं उनको भी मैं कभी कुछ सिखा सका तो सिखाने की कोशिश करता हूँ। बाकी चल रहा है। हाँ जी सर। जी जी मूलतः रंग कर्म से जुड़े राजेश जी मुंबई आते हैं और कई टेलीविजन धारावाहिकों के लिए लिखना होता है। जी किसी लेखक के लिए व्यावसायिक जगत में जगह बनाना और अपने आप को हिट करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल। तो कृपया अपनी
शुरुआत के बारे में बताएं कि किस धारावाहिक से आपकी शुरुआत हुई और वो किस तरह के अनुभव रहे। राजेश जी, मेरे एक मित्र थे जो हमारे गुरु भी थे थिएटर में, सुशील जोहरी, इंदौर में उनके साथ में थिएटर करता था और कुछ नाटक भी मैंने लिखे थे वहां पर, नाटकों में गाने भी लिखता था और कहीं कहीं सीन कुछ रीराइट करना होते थे तो वो भी करना की कोशिश करता रहता था। तो जोहरी जी मेरे बारे में जानते थे, एक बार वो मुझे बोले कि तू बम्बई चल। मेरा मूड उस वक्त बड़ा खराब था, मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं जाता कहीं। बोले चल तो सही, मैंने कहा और सब दूर छोड़ के आप मेरे को बम्बई ले जाना चाह रहे हो, जो सबसे वर्स्ट शहर उस समय मैं समझता था कि बम्बई सबसे खराब शहर है, जहाँ जाके आदमी का दिमाग खराब ही होना है। मैंने मना किया, वो टिकट ले आए। वो दरअसल आ रहे थे एक शो में काम करने के लिए, पीए साहब नाम का एक शो था, उसमें काम करने आ रहे थे। बोले मेरे साथ चल, 10-12 दिन शूटिंग होगी, वहां रुकना, मेरे साथ वापस आ जाना। एक बार तो मैं नहीं आया, एक बार के टिकट वेस्ट गए, अगली बार के टिकट फिर ले आए वो। बोले इस बार तो तुझे चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है चलता हूं। तो कुछ 200-250 रुपए जेब में थे जो लेके उनके साथ में निकल आया, क्योंकि टिकट तो उन्हीं ने खरीद दिया था। यहां आने के बाद में सीधे मंजुल सिन्हा के घर गए हम, उन्होंने मंजुल जी से मिलवाया। और मंजुल जी उस वक्त दिमाग थोड़ी राइटर्स के साथ कर रहे थे, कुछ स्क्रिप्ट बना रहे थे। तो वो देख के मैंने उनसे बोला कि सर अगर आप इजाजत दें तो मैं भी कुछ लिखने की कोशिश करूं। तो बोले बिल्कुल लिखिए, मैं आपको सब्जेक्ट देता हूं। और उन्होंने एक सब्जेक्ट दे दिया मुझे, इकोनॉमी ड्राइव, एक सब्जेक्ट दिया कि जाओ लिख के लाओ। अब हम लोग जहाँ ठहरे हुए थे कोलाबा में, वहाँ वापस गए, जाते टाइम मैंने कुछ कागज़ खरीदे, एक दो पेन लिए और हम वापस पहुँचे जाके। तो जोहरी जी थोड़े समय बाद सो गए, लेकिन मैं जागता रहा और रात भर लिखता रहा। पूरी रात में मैंने पीए साहब का एक एपिसोड लिखा, अगली सुबह जोहरी जी के साथ जाके और मंजुल जी को दिखा दिया। मंजुल जी ने एपिसोड पढ़ा, कुछ करेक्शन करना था क्योंकि मैं तो थिएटर के स्टाइल में लिख गया था, कुछ करेक्शन करना थे, कुछ चेंजेस करना थे, कुछ किए। और उसी वक्त वो स्क्रिप्ट दे दे कि ये स्क्रिप्ट भी इसी शेड्यूल में शूट करेंगे। मुझे देख के बोले कि अब आप कहीं जा नहीं सकते हो, आपको ये सब लिखना है। मैं चौंक गया, मैंने कहा मुझे क्या लिखना है भाई। बोले आगे के एपिसोड आपको लिखना है। और मंजुल जी ने मुझे रुका लिया, उसके बाद मैं वहीं पर रुक गया और मैंने पीए साहब लिखा। पीए साहब उस समय का हिट सीरियल है, सतीश शाह, हिमानी शिवपुरी, सुशील जोहरी, ये सब लोग उसमें काम कर रहे थे, DD1 पे आता था और बड़ा मज़ेदार शो था। सब्जेक्ट मेरी पसंद का था, पॉलिटिक्स उसमें मुख्य रूप से थी। और उस समय एक किस्मत की बात है कि मैं भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिस्सा लेता था, तो सब कुछ काफ़ी अपने ही आसपास का दिखाई दिया, तो मैंने वो सीरियल लिख लिया और मैं राइटर बन गया। तो वो सीरियल ख़त्म हुआ और उसके बाद मुझे चेन्नई से एक लेडी प्रोड्यूसर है, उनका बुलावा आ गया, उन्होंने मुझसे बुलवा के और धर्म अधर्म नाम का सीरियल लिखवाया। वो लिखा, वापस आया तो यहाँ पर मुझे मनीष गोस्वामी ने बुलवा लिया, उनसे मिलने गया तो बोले एक सीरियल लिखी। और फिर मैंने चश्मे बद्दूर लिखा उनके साथ, मंजुल जी के साथ, फिर जी साहब और कई छोटी कहानियां,
रिश्ते एक आता था जी टीवी पर प्रोग्राम, उसके लिए कुछ लिखे एपिसोड मैंने, इस तरह लिखता चला गया, काम पैसा मिलने लगा। सबसे बड़ी बात तो ये, पैसा मिलने लगा, पैसा मिल रहा था, काम मिल रहा था, तो मैं करता गया। आगे चलते चलते फिर मनीष गोस्वामी ने मुझे सरकार नाम का सीरियल जो जी टीवी पर उनका आता था उसमें बुलाया, मैंने सरकार लिखा, और सरकार के लिखते लिखते ही बीच में मुझे सात फेरे के लिए संजय वाधवा जी ने बुलवा दिया। तो मैं वहाँ, पूर्णेंदु शेखर थे संजय वाधवा जी के यहाँ, उन्होंने मुझे कहा कि आप सात फेरे लिखिए। मैंने सात फेरे लिखा, और सात फेरे लिखने के दरमियान ही बालिका वधु चालू हो गया, और बालिका वधु चालू हुआ 2008 में, उसका राइटिंग 2006 से चल गई थी, चालू हुआ था 2008 में, कुछ 8.5 साल तक फिर मैंने बालिका वधु की राइटिंग के साथ में कुछ और सीरियल भी लिखता रहा, लेकिन मुख्यतः मैंने पूरा कंसंट्रेशन अपना बालिका वधु पे किया, और वो लिखते लिखते सालों साल बीतते चले गए। इसी बीच शादी भी हो गई, पत्नी आ गई, बच्चा हो गया, परिवार यहीं पे बस गया, कुछ साथ के लोग निकल गए, कुछ लोग नए जुड़ गए, ऐसे ही चलते चलते सफर यहां तक आया है। हाँ जी सर, राजेश जी, हाँ जी, आपने अपनी यात्रा को जी काफी संक्षेप में रखा, लेकिन हम जी लेकिन हम हाँ जी इस संक्षेप में रखी गई बात के भीतर की जो गहराई है और जो उतार चढ़ाव है जी, इसका अंदाजा लगा सकते हैं जी। अब आप एक सिद्धहस्त पटकथाकार माने जाते हैं जी, चूंकि यह पूरी श्रृंखला पटकथा लेखन पर ही है, तो यह सवाल भी पूछना उचित होगा कि हमें यह बताएं कि आपकी नजर में पटकथा लेखन क्या है। राजेश जी, देखिए मेरी नजर में सारा लेखन, जितने लेखक हैं सारे घोड़े हैं जो दौड़ते हैं और अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, उसमें पटकथा लेखक जो है वो तांगे का घोड़ा समझ लीजिए, हमें बांधा हुआ रहता है, एक कहानी दी जाती है उससे बाहर हम नहीं जा सकते, एक पूरा बोझ लेकर हमको आगे दौड़ना होता है, हमें एक कहानी दी गई उसी को एक्सप्लोर करना है। अब पटकथा लेखन में यह है कि पटकथा लेखक को जागरूक रहना पड़ेगा पूरे टाइम, और सबका ऑब्जर्वेशन ज्यादा करना होता है, आसपास की दुनिया, आसपास के चरित्र, लोग, वातावरण, हर चीज, क्योंकि ये सारी चीज हमें लिखना होती है। राइटर तो ये लिख देता है जो स्टोरी कहा, स्टोरी लेखक है वो लिख देगा कि बैंक में डकैती पड़ी, अब हमको ये लिखना पड़ेगा अपने आप को डाकू मान के कि डाका डालना हम जा रहे हैं, और हमें सब सोचना पड़ेगा कि कैसे बैंक में जाऊंगा, कैसे वहां का जो चौकीदार होगा वो कैसे बंदूक निकालेगा तो उससे कैसे निपटूंगा, कैसे लोगों को डराऊंगा, कैसे सबसे लूटूंगा पैसा, और कैसे बाहर निकल कर किस गाड़ी में बैठूंगा और किधर भागूंगा ताकि पुलिस ना पकड़े, तो मुझे ये सब सोचना पड़ेगा। तो पटकथा लेखक के ऊपर ये एक तांगे की जिम्मेदारी रहती है, उससे इधर उधर नहीं जा सकता, उसको जो बोला हुआ है वही उसको लिखना है, कि आपको इसके आसपास ही लिखना है। एक हॉस्पिटल
में अगर कहानी है तो आपको हॉस्पिटल से ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है, सब कुछ अपनी दुनिया हॉस्पिटल को समझ के वहीं पर आपको डेवलप करना है, वहीं के चरित्रों को आपको डेवलप करना है, उन्हीं को लिखना है, और सबसे बड़ी बात आपको डिटेलिंग में लिखना है। ये समझ लीजिए कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपको हर पल अपने आंखों के सामने घूमता हुआ दिखना चाहिए, और उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको लिखना रहता है। इस तरह से पटकथा लेखन मेरे ख्याल से अभी तक होती है, जो मैं समझता हूँ कि करना चाहिए। और उसके अलावा एक और चीज है, पटकथा लेखक को हर एक सीन को एक फिल्म समझना चाहिए, फिल्म की तरह उस सीन को सजा देना चाहिए, हर सीन ऐसा सजा हुआ हो कि वो देख के एक फिल्म देखने का सेटिस्फेक्शन आदमी को मिले, तो पटकथा लेखन सक्सेसफुल होता है, वरना नहीं होता है। आपके लेखक में भाषा अच्छी हो आपकी, भाषा अच्छी लिखी है, की डायलॉग्स भी लिखना होते हैं, सारे डायलॉग जरूरी नहीं है लेकिन की डायलॉग्स तो आपको लिखना होते हैं, और चरित्र सारे आपके पटकथा में ही निकल के आते हैं, कौन कौन चरित्रों को आप लिख रहे हैं, तो उन चरित्रों को आपको सोचना पड़ता है, उनको इमेजिन करना पड़ता है, चरित्र बनाना पड़ते हैं, और उनको वैसा ही विस्तार पेपर पर देना पड़ता है, तब जाकर ही वो पटकथा बनेगी और तब जाकर इंटरेस्टिंग पटकथा बनेगी। जी सर, हाँ जी, जी। राजेश जी, हाँ जी, बिल्कुल टू द पॉइंट आपने अपनी बात रखी है जी, और बालिका वधू जैसे बेहद हिट और एक बड़े समय तक चलने वाले सीरियल का भी लेखन किया है जी, ये कई सारी बातें आपने अभी इस बातचीत में रखी, तो कुछ उदाहरण देकर बताएं कि सीन का निर्माण या पात्रों का विस्तार, या जो आपने कहा कि हर सीन एक फिल्म की तरह सजा दी जाए, तो इसे कृपया कुछ उदाहरण देकर भी हमें समझाएं। जी, उदाहरण में यदि आपको कहा गया कि एक लड़का और एक लड़की एक गार्डन में मुलाकात होती है उनकी, और कुछ बात होती है, झगड़ा हो जाता है, अब ये आपको कहा गया है तो आपको एक गार्डन का सीन क्रिएट करना है, गार्डन सोचना है, लड़का सोचना है, लड़का आता है कैसे आता है, किस तरह के वाहन में आता है, लड़की वहां कैसे आती है, किसी कारण से आते हैं या अचानक आ जाते हैं, गार्डन में तो जनरली यूं ही कोई जाता नहीं है, या तो वॉक करने जाते हैं, अचानक रास्ते में तो मार्केट में मिलते हैं, गार्डन में मिले मतलब या तो पहले से तय किया हुआ हो कि वहां पर मिलना ही है, और तय किया हुआ होता है तो वहां पर दो लोगों की मुलाकात होगी, तो मुलाकात होगी उसके पहले आप आसपास का वातावरण क्रिएट करेंगे, कोई गुब्बारे वाला, कोई मूंगफली वाला, या तेल मसाज वाला, ऐसे कैरेक्टर्स आप क्रिएट कर सकते हैं वहां पर, जो आते हैं इनसे बात करते हैं, भीख मांगने वाले कैरेक्टर वो क्रिएट कर सकते हैं, या जिस रिक्शा में बैठकर हीरोइन आई है वो रिक्शा वाला छुट्टा नहीं है उसके पास, तो उसको बड़ा नोट देके आ गई है, वो पैसा देने वापस आता है, और चार बातें वो भी कर जाता है, उससे भी सीन थोड़ा इंटरेस्टिंग बनता है, और इन सारी चीजों को लेके और आप स्टोरी में खपाते हो कि स्टोरी
आपको दी हुई है कि इसमें ये बात होगी, वो बातें करना चाहते हैं, वो बात शुरू हो रही लेकिन फिर कोई डिस्टरबेंस आ रहा है, इससे आप इंटरेस्ट और पैदा कर सकते हैं सीन में, आप थोड़ा मजेदार सीन बना सकते हैं, और इसी में करते हुए लास्ट में झगड़ा हो जाता है दोनों का, और झगड़ा होके झगड़ा करके जब जाने लगते हैं तो लड़के को ख्याल आता है कि उसको तो कुछ बोलने के लिए भेजा गया था, और लड़की को रोकता है कि भाई मैं कुछ बोलने आया था तुमसे, तो बोलते अब तो मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी, अब क्या बोलोगे तुम, तो अब कैसे उसको पटाएगा, कैसे समझाएगा, तो यही करते हुए वो सीन को पूरा करना होगा। माँ और बेटे का सीन है, घर में है, तो जनरली कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं घर में जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। जैसे घर में अगर है माँ बेटा है, तो बेटे ने खाना खाया कि नहीं, उसको या तो खाना खिलाती है माँ, या उसके लिए चाय लेकर आती है, या उसके कपड़े घड़ी कर रही है, या बेटा बीमार है, इन सब चीजों को मिलाकर सीन बनाना पड़ता है। यानी कि सब कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, आपको सिर्फ मेन स्टोरी की लाइन लिखी हुई मिलेगी, बाकी आपको इमेजिन करना होगा कि ये सीन अब कैसे करूं मैं, और उस इमेजिनेशन में आपको सीन निकालना पड़ेगा, ये सीन अब ऐसे होगा। तो सर अब यही उदाहरण है, इससे ज्यादा मैं क्या दूंगा उदाहरण। जी जी राजेश जी, हाँ जी, अगर हम बालिका वधू पर ही बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो जी, यह एक सामाजिक समस्या पर केंद्रित सीरियल है, जी जी, बाल विवाह पर केंद्रित, और क्रमशः वो पात्र भी बड़े होते जाते हैं और कम उम्र में और ना समझी की उम्र में विवाह होने से किस तरह की चीजें घर में घट रही होती हैं, राजस्थानी परिवेश में यह पूरी कहानी है। इसका एक व्यावसायिक पक्ष भी है कि जब कोई सीरियल लोकप्रिय हो रहा है तो उसके प्रोड्यूसर उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जिस चैनल पर वह सीरियल आ रहा है उनकी भी इच्छा होती है यह धारावाहिक आगे कंटिन्यू होता रहे। ऐसे में घटनाओं में भी कई तरह के परिवर्तन करने पड़ते हैं, लेखकों से भी यह डिमांड की जाती है कि इनमें कुछ नई नई चीजें लाई जाए, तो इस पर कुछ बोले और इस संबंध में कुछ उदाहरण भी दे हमें राजेश। देखिए हमने जो सीरियल लिखा, हमारे पास एक उदाहरण ये समझ लीजिए कि 60 एपिसोड में हमारी आनंदी बड़ी होने वाली थी, जो छोटी वाली आनंदी थी, और वो चरित्र बहुत हिट हो गया, इतना हिट हुआ कि उसके बाद हमको कहानी पूरी उसी के आसपास घुमानी पड़ी, और वो जो 60 एपिसोड में बड़ी होने वाली थी वो 550 एपिसोड में जाके बड़ी हुई। अब उसमें यह हुआ कि हमने कहानी यूं ही नहीं बढ़ाई थी, कहानी जहां भी बढ़ी उसके साथ में और घटनाक्रम और स्टोरी को हमने साथ में रख के वो बढ़ाई कहानी, ये सोच के बढ़ाई कि हमें कहानी बढ़ाना है और इंटरेस्टिंग भी बनाना है। हमारी टीम बहुत बढ़िया थी, तो टीम ने मिलके सोचा और मजेदार बात यह है कि हम लोग टीम के चार लोग जो थे वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, तो हमने वहां पर, और मध्य प्रदेश और राजस्थान तो ठीक है, हम गांव के रहने वाले, गांव में बहुत समय हमने बिताया है,
गांव देखा, गांव का रहन सहन देखा हुआ है, तो उसका हमें बहुत फायदा मिला कि गांव वालों के एस्पिरेशन, उनकी चाहत, उनके क्रियाकलाप, वहां पे सम्मान कैसे दिया जाता है वगैरह, और वहां पर क्या क्या घटनाएं घटती है, ये सब कुछ को हमने हमारे कहानी का विषय बनाया, इसलिए वो इंटरेस्टिंग बनता चला गया। अगर हमने देखा ही नहीं होता वो सब, वो दुनिया ही नहीं देखी होती, तो फिर मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल था, फिर कहानी बनाना मुश्किल होता। तो हमने हमारे आसपास के कैरेक्टर उठाए जो हमने देखे थे जीवन में, उन कैरेक्टर्स, उनकी कार्रवाइयां, उनकी परेशानियां, उनकी मुश्किलें, उन सब को लेकर हमने स्टोरी व्यू करना चालू की। तो देखिए फिर 2400 एपिसोड तक पहुंचा सीरियल। तो कहानी हमारे पास में थी, मतलब ये समझ लीजिए आप कि थी से ने लिखी हुई नहीं थी, लेकिन हमारे दिमाग में थी, हम लोगों ने वो कहानी को बहुत भोगा हुआ था, इसलिए एक घटना हम डालते थे जो कि बहुत सारी कहानी को जन्म देती थी। एक नया कैरेक्टर आके पूरे कहानी को हिला देता था। इस तरह करके हमने कहानी आगे बढ़ाई बालिका वाली की, और हमको सबसे बड़ा फायदा यह था कि हमारे एक्टर बड़े सुरीले थे, हर कैरेक्टर एकदम जान लगा देता था अपने रोल के लिए, इतने बढ़िया एक्टर थे जो कन्विंसिंग थे कि यही है, बस ये चरित्र यही कैरेक्टर से। जैसे दादी सा आपने देखा ही होगा कि दादी सा के चरित्र में बहुत सारी चीजें उन्होंने खुद ही डेवलप कर ली, जो कि हमको, हमने लिखी भी नहीं या सोची भी नहीं, तब उन्होंने डेवलप कर ली, तो हमने उनको एडॉप्ट किया, उन चीजों से स्टोरी बनाई। इसी तरह आनंदी की कुछ बातें थी, या बाकी के जो चरित्र, भैरव सिंह या और भी चरित्र थे, ये सभी चरित्रों ने अपने कैरेक्टर इतने अच्छे से परफॉर्म किए कि इनसे हम लोगों ने सीख सीख के लिखना सीखा। तो हमको तो ये समझ लीजिए कि हमारे चरित्रों ने बहुत सिखाया, हमारे डायरेक्टर्स ने सिखाया। हमारे डायरेक्टर कई बार ऐसा कुछ कर जाते थे कि अगली बार हम उन्हीं को फॉलो करते थे। तो हमारी राइटिंग ये समझ लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट थी, हम कोई बहुत ट्रेंड राइटर की तरह नहीं बैठे हुए थे, हम सब एक दूसरे से भी सीखते थे। डायलॉग राइटर कोई डायलॉग लिख देता था कई बार जो मैंने स्क्रीन प्ले में कभी सोचा भी नहीं था, अगली बार उसका रेफरेंस भी दिमाग में होता था। कई बार स्टोरी राइटर्स को भी ऐसे मिल जाते थे इंस्पिरेशन। तो ऐसा करते करते कहानी बनती चली गई और बालिका वधु बन गया। बस यही समझ लीजिए कि जीवन में, जीवन की कहानी बालिका वधु। बहुत सारे लोगों का जीवन ऑब्जर्व करके लिखी हुई कहानी है। जी सर, जी जी, अभी आपने दादी सा की बात की, सुरेखा सिकरी जी की बात की जी, दुर्भाग्य से जिनका परसों ही निधन हुआ है जी, तो यह उनके प्रति हमारा ट्रिब्यूट भी होगा कि हम आज जब बालिका वधु धारावाहिक की बात हो रही है, हम जी उस सीरियल के लेखक से मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं आपके माध्यम से हम उनसे जुड़े कुछ संस्मरणों पर बात करें और आप
हमें सुरेखा जी से संबंधित कुछ संस्मरण भी सुनाएं। राजेश जी देखिए, सुरेखा जी से बहुत मुलाकात मेरी हो नहीं पाई क्योंकि मैं सेट पे कम ही जाता था, लेकिन जब भी मुलाकात हुई बड़ी प्यारी मुलाकात हुई, और उन्होंने हमेशा सम्मान, जैसे किसी बड़े आदमी को सम्मान देते हैं ऐसे राइटर को सम्मान देके उन्होंने हमेशा हमसे बात की। तो उनसे जो प्रोफेशनलिज्म सीखा हमने, वो मेरे ख्याल से पूरी यूनिट ने सीखा है। टाइम पर अपने लोकेशन पे होना और अपने टाइम से घर जाना, उनके सीन में ना तो रिटेक होते थे ना कुछ होता था, वन टेक ओके सीन करती थी वो। उनसे काफी कुछ सीखा हमने। हमारी दादी सा वाकई सीरियल की दादी सा थी, हम सबकी दादी सा थी वो। लेकिन मजे की बात है कि वो ऐसे डांटती नहीं थी जैसे सीरियल में डांटती थी, बहुत नम्र स्वभाव की थी, सबसे विनम्रता से बात करती थी, सम्मान देकर सबसे बात करती थी। जी अर्पण जी, जी आपको टेलीविजन उद्योग में लेखन करते हुए काफी समय हो गया है, 26 साल, और कई सारे धारावाहिकों से आप जुड़े हुए हैं, कुछ के आपने नाम भी बताए, और कई सारे ऐसे धारावाहिक हैं जो लोकप्रिय हैं और जिन पे भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो इस बीच धारावाहिक लेखन में किस तरह के बदलाव आप देख रहे हैं, और इस बदलाव से आपके स्वयं का समायोजन किस तरह का हो रहा है? बदलाव ये है कि पहले जो प्रोड्यूसर होते थे उनका आग्रह होता था कि कुछ नया नया और कुछ डिफरेंट हो, लेकिन आजकल जो है अभी डिमांड चेंज हो गई है। अभी उदाहरण देकर हम कई बार बोलते हैं कि फलाने सीरियल जैसा कुछ स्टोरी सुनाओ, तब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है क्योंकि सभी को हिट चाहिए। अब आप मुझसे कहें कि बालिका वधू जैसी स्टोरी मुझे दो, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तभी पूरा माहौल ऐसा होता जा रहा है और इससे समायोजन करना बड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी। आदमी एक कहानी सोचता है, वो ये नहीं सोचता कि ये किसके जैसा है या किसके जैसा नहीं है। कहानी होगी अच्छी होगी लोग पसंद करेंगे, नहीं होगी नहीं पसंद करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि सारी बालिका वधू जैसी कहानियां पसंद की जाती हो। बालिका वधू में सिर्फ राइटिंग नहीं थी, बालिका वधू में तो और बहुत सारी चीजें थी, एक्टिंग थी, अभी डायरेक्शन था, इतना कुछ था उसमें, सब ने मिला के और एक सीरियल बनाया था। तो हम बालिका वधू जैसी दो चार कहानियां और लिख दूं, मैं सोचूं किसी को बेच दूं और हिट हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जो चीज हिट होने वाली रहती है वो पहले से ही अपनी तकदीर साथ में लेकर आती है। वाकई लक पे चलती है, हर शो अपनी तकदीर साथ में लाता है, उसी के अनुसार वो चलता है।
जी सर, जी, शुरू में आपने यह बात रखी कि कैसे एक लेखक भी अपने कार्यक्रम में, अपने धारावाहिक में जो एक्टर्स हैं, जो अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, उनसे सीखता है। जी इसी को थोड़ा अगर घुमाकर देखें कि अगर कोई अच्छी कहानी भी है, एक बेहतर पटकथा भी लिखी हुई है, मगर अभिनय और निर्देशन के स्तर पर कहीं कुछ कमी, कुछ चूक रह जाती है, फिर उस कहानी या उस पटकथा की लोकप्रियता में कोई बाधा आती है। इस पर भी कुछ बात करें और अगर संभव हो तो कोई उदाहरण भी दें। जी नहीं, उदाहरण तो मेरे पास में कोई नहीं है, क्योंकि किस्मत की बात है। जितने मैंने धारावाहिक लिखे सब में बहुत अच्छे एक्टर्स मिले मुझे और बहुत अच्छे डायरेक्टर्स मिले। लेकिन ये बात सही है कि आप कितने किसी भी लेवल का लिख दीजिए, अच्छे एक्टर नहीं है, अच्छा डायरेक्शन नहीं है, तो वो सीन को बिठा देंगे। और कई बार थोड़ा कमजोर भी लेखन होता है, अच्छे एक्टर हैं तो उसको अच्छा निभा ले जाते हैं, देखने वाला बंधा रह जाता है। क्योंकि जो सामने बैठा देख रहा है उसको और कुछ नहीं दिखता, जो सीन में अभी हो रहा है वही देखता है। उसको ये नहीं पता होता है कि ये खराब एक्टर हैं या राइटिंग खराब है। उसको तो जो सीन उसको दिखाया गया वो सीन कितना अच्छा लगा उसी पे डिपेंड करता है। तो यह सही बात है कि पूरी टीम अच्छी होना चाहिए तो ही कोई सीरियल अच्छा बनता है। अगर एक्टर्स अच्छे नहीं है तो फिर सीरियल मुश्किल है कि लोग पसंद करेंगे उसको। एक्टर्स भी अच्छे हों, डायरेक्शन की टीम अच्छी हो, प्रोडक्शन अच्छा हो, सब चीजें अच्छी होंगी तो एक सीरियल अच्छा बनता है। क्योंकि एक सीरियल बनना भी एक बड़ी घटना होती है, सालों की मेहनत उसमें लगती है और कई सारे लोगों की मेहनत उसमें लगती है। जैसे शोले फिल्म बनी थी, कहानी भले कितनी भी अच्छी लिखी हुई हो लेकिन अगर ये जो एक्टर्स थे ये इतना अच्छा अभिनय नहीं करते तो फिल्म अच्छी नहीं बन सकती थी। उदय भानु पांडे जी का एक सवाल है, थोड़ा हाँ निजी जी, भी है, कि इतने भावुक होने के बावजूद आप मुंबई में कैसे सरवाइव किए? इस व्यक्तिगत प्रश्न पर कृपया नाराज ना हो। क्या है कि मैं थिएटर करता था, इसके अलावा कुछ काम मेरे को आता नहीं था, राइटिंग ही आती थी और राइटिंग की दुकान यहाँ पर चल गई, पैसा मिलने लगा, तो और कहीं भी कुछ और जाके कोशिश करने का मुझे कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैं टिका रहा और काम चलता चला गया। तो जहाँ रोटी हो, जिसके किस्मत में जहाँ रोटी लिखी होती है आदमी वहीं जाता है। मेरी रोटी यहीं बंबई में लिखी थी तो यहीं पर रह गया मैं, कहीं और लिखी होती तो वहां जाता। सब भाग्य की बातें हैं। और इस शेर ने सिखाया भी बहुत, बहुत सिखाता है ये शेर। आप कितने भी बड़े ज्ञानी बन के आ जाइए, आपको यहां पर सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपको हर पल ये लगता है कि आप कुछ जानते नहीं हो,
राजेश जी, हाँ जी आपने एक तरफ सामाजिक समस्याओं पर आधारित धारावाहिक लिखे हैं तो जी दूसरी तरफ कई प्रहसन मूलक और हास्य प्रधान धारावाहिक के भी लेखन जी से आप जुड़े हुए रहे। तो जी हम जीवन के और भावना के एक दूसरे पक्ष की ओर चलें और प्रहसन और हास्य प्रधान धारावाहिक लेखन में क्या ध्यान रखते हैं और उसे कैसे सफल बनाते हैं? राजेश जी, देखिए, हास्य धारावाहिक जो था वो जनरली ये समझ लीजिए कि हमारे मूल में था। इंदौर की एक ट्रेनिंग थी और थिएटर की एक ट्रेनिंग थी जिसमें कि कहानी को ऐसा मोड़ देते चलें कि हास्य पैदा होता रहे, ये करके हमने हास्य लिखना चालू किया था और काफी समय तक लिखा था। लेकिन एक सीमा पर आके ये लगा कि हास्य लिखते लिखते तो पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि एक एपिसोड कॉमेडी का लिखना बहुत मेहनत लगती है। किसी को हंसाना कोई मजाक तो है नहीं कि कोई हंसने लग जाए, आप ऐसी बात कर दो। तो एक एक एपिसोड लिखने में बहुत टाइम लगता था, पैसा कम मिलता था। इसलिए फिर मैंने सीरियस सब्जेक्ट्स को पकड़ना चालू किया। आर्थिक हालात करवा लेती कई काम, तो ये समझ लीजिए कि जेब की जरूरतों ने कॉमेडी को पीछे कर दिया। तो हम हंसना वसना एक तरफ रख के और सीरियस राइटिंग की तरफ चलते चले गए। तो आज आप देखिए ना, कॉमेडी फिल्म कोई देखिए, अच्छी कॉमेडी फिल्म होती है फटाक से 3 घंटा पूरा हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कब खत्म हो गई फिल्म। लेकिन उसका राइटिंग कितने टाइम में हुई होगी, कितने टाइम में फिल्म की शूटिंग हुई होगी, इसका आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। डायरेक्टर को बहुत टाइम लगता है, डायरेक्टर एक्टर से एक्टिंग करवाना कॉमेडी की, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैं तो बड़ा सम्मान करता हूँ ऐसे डायरेक्टर्स का जो कॉमेडी सब्जेक्ट को बनाते हैं, अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं बेचारे। तो कॉमेडी एक्चुअली बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, कॉमेडी इज नॉट अ लाइट थिंग, बहुत सीरियस बात है। कॉमेडी यूं ही नहीं निकलती है। जैसे शायरी में बोलते हैं ना, जिगर का लहू चाहिए गजल कहने के लिए, यही कॉमेडी के साथ है। जिगर का लहू चाहिए कॉमेडी निकालने के लिए। और जिसने निकाल दी वो बड़ा कलाकार होता है। जी जी सायरा बानो जी के प्रोडक्शन में जी आपने स्त्री हाँ जी धारावाहिक को लिखा, जी तो हमारे साथीगणों के लिए, मित्रों के लिए उस धारावाहिक के बारे में और सायरा बानो से जुड़े कुछ संस्मरण भी हमें सुनाए। जी वहां संस्मरण में मैं बताऊं कि सिर्फ दिलीप साहब जो थे, दिलीप साहब राइटर को बड़ी इज्जत देते थे। उनका कहना था कि फिल्म में सबसे बड़ा होता है ऑथर, और जो ऑथर बोल रहा है वही आप लोग सुनिए। जो ऑथर ने कहा उसको काटिए मत,
जो उसने कहा उसको सुनिए और उसी को एग्जीक्यूट कीजिए, ये दिलीप साहब का कहना था। मैं तो बड़ा फैन हो गया था, वो राइटर को बड़ी इज्जत देते थे, सायरा जी ने भी बड़ा सम्मान दिया। बहुत लंबे टाइम नहीं लिख पाया मैं, थोड़ा टाइम ही लिखा था, लेकिन अच्छा था। दिलीप साहब जितने बड़े आदमी थे उतना बड़ा उनका दिमाग भी था, उनकी सोच उतनी व्यापक थी। तो ये समझ लीजिए कि मेरे लिए एक बड़ी सीखने की जगह थी। उनका कहना है कि राइटर कुछ लिख के लाया तो कुछ सोच के लिख के लाया, उससे पूछिए तो सही क्या सोचा है उसने, उसको काटने या चेंज करने के पहले। ऐसे थे दिलीप साहब। जी जी अभी आपने दिलीप कुमार जी की बात की, कुछ दिन पहले ही हमने उन्हें भी खोया है। जी और जो इस तरह के संवेदनशील या बहुत पढ़े लिखे या बहुत ही संजीदा कलाकार हैं, वे दूसरे लोगों को भी सम्मान देते हैं, लेखक को भी और तमाम लोगों को। एक जो एक बड़ी दुनिया है, जो पेशेवर दुनिया है मुंबई की, फिल्म निर्माण और धारावाहिकों से, प्रोडक्शन से जो जुड़े हुए लोग हैं, तो एक जो ओवरऑल परिदृश्य बनकर आता है लेखकों के प्रति रवैये को लेकर, जिसके प्रति आप सजग भी हैं और काम भी कर रहे हैं, तो इस बारे में बताएं कि सामान्य जो एक नजरिया है बाकी तमाम लोगों का, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और लोग हैं। जी आम नजरिया राइटर को लेके ये है कि इनको तो कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ कागज पे कुछ शब्द लिखते हैं, उन शब्दों की कीमत ही नहीं जानते वो लोग। एक्चुअली कमलेश जी कहते हैं कि राइटर इज द फर्स्ट स्टार ऑफ द फिल्म, सबसे पहले राइटर ही होता है, राइटर के पहले कोई फिल्म नहीं होती ना कोई सीरियल होता है। जब राइटर होता है तो वो लिखना चालू करता है तो कैरेक्टर बनते हैं, राइटर लिखता है तो डायरेक्टर उस पर आके काम करता है, राइटर लिखता है तो शूटिंग होती है, नहीं तो नहीं होती है। लेकिन जो अभी माहौल है, परिदृश्य ये है कि माना यह जाता है कि ये तो कुछ कागज लेके कुछ लिख देते हैं और उसका पैसा मांगते हैं। तो जो भी आदमी कुछ लिखता है तो उस लिखने में अपना अनुभव, अपने जीवन की कितनी सारी चीजें उसमें डालता है, और आप उसको उसका मेहनताना नहीं देना चाहते। जब प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है तो फिल्म में पैसा लगाता है, पैसों का रिस्क उठाता है, इसी तरह राइटर ने अगर कोई फिल्म के लिए लिखा है तो ये उसका लिखना ही उसकी तरफ से फाइनेंस है, सामने वाले का पैसा है और इसकी राइटिंग है, तो इसने अपनी राइटिंग का रिस्क उठाया है, तो उसको उस रिस्क का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए। और कई सारे जो नॉन सीरियस राइटर होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो कोई और धंधे से राइटिंग में आ जाते हैं, वो अपने लिखे हुए की कीमत नहीं समझते, न कभी वसूल करने की कोशिश करते हैं, उनकी वजह से सीरियस लिखने वाले तकलीफ उठाते हैं।
सभी के प्रति उनका नजरिया फिर वैसे ही हो जाता है। तो इन सब बातों के लिए एसडब्ल्यूए फाइट कर रहा है ताकि राइटर्स कॉन्ट्रैक्ट के बिना लिखना बंद करें। सबसे ज्यादा पैसा अगर फिल्म इंडस्ट्री में किसी का खाया हुआ होगा तो वो राइटर्स का, राइटर्स को पैसा ही नहीं मिला है। बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बने और राइटिंग करें ताकि अगर आप पैसा ना दें तो आपको चैलेंज किया जा सके। हमारी यही कोशिश है कि भाई सभी लोगों को अपनी मेहनत का पैसा मिलना चाहिए, उसका फल मिलना चाहिए। क्योंकि हमको ऐसे शब्द सुनने को मिल जाते हैं कि इनको, राइटर को तो हमने चांस दिया, हमने इनको मौका दिया तो लिखने लगे, तो हम ज्यादा पैसा क्यों दें। ऐसे डायलॉग प्रोड्यूसर्स की तरफ से कई बार आते हैं जो सुन के बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई आपने क्या लिखने का मौका दिया, उसको लिखना आता था तो आपने उसको बुलाया। आप ऐसे ही किसी को बुला सकते हैं क्या? जब तक सामने वाले को लिखना नहीं आएगा आप नहीं लिखाएंगे। जब हमने मिनिमम पेमेंट की बात की तो उसमें भड़क गए कि हम क्यों दे इतना पैसा किसी राइटर को, और राइटर को हम हमारे पास रखते, रहने को जगह देते, खाने को देते। मतलब राइटर को नौकर समझ रखा है। ऐसा माहौल बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। अब बदल रहा है धीरे धीरे, टेलीविजन ने बहुत माहौल बदला है, काफी लोगों को पैसा मिलने लगा टेलीविजन के पास से और राइटर सक्षम हुए हैं। नहीं तो पहले राइटर यानी झोले छाप आदमी माना जाता था, अब थोड़ा सम्मान मिलना चालू हुआ है, जो कि मिलना भी चाहिए, क्यों ना मिले। और राइटर्स को भी कोशिश करना चाहिए कि वो सम्मान कमाने का प्रयास करें अपना। जी जी, यह एक दुखद स्थिति है। और व्यावसायिक लेखन जहां आप लोग मुंबई में सक्रिय हैं, उसके बरक्स जो इधर साहित्य का परिदृश्य है, जिसमें हम लोग जो मूलतः साहित्यकार लोग हैं, उनकी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। इन दोनों ही जगहों पर लेखकों के साथ बड़ा अन्यायपूर्ण माहौल कभी प्रकाशक के द्वारा, कभी प्रोड्यूसर के द्वारा दिखाई पड़ता है। खैर, यह बहुत प्रशंसनीय है राजेश जी कि आप इसको लेकर निरंतर आवाज उठा रहे हैं। इस दिशा में आप जैसे लोगों के माध्यम से किस तरह के परिवर्तन आए हैं, कुछ आपने इशारे किए, कुछ अगर और बता सकें, फिल्म लेखक और इधर टीवी लेखक की जो स्थिति है, तो कैसे कुछ सकारात्मक परिवर्तन खास तौर से लेखकों के संदर्भ में आए हैं, कृपया इसकी भी चर्चा करें। जी देखिए, राइटर्स एसोसिएशन जो है वो राइटर्स के केस लड़ता है, और हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाके जीते हैं। तो ऐसे कुछ केस हुए हैं जिससे कि प्रोड्यूसर्स को थोड़ा भय पैदा हुआ। तो उसके बाद से अभी यह हुआ है कि
भाई राइटर एसोसिएशन में मत जाओ, बैठो थोड़ा इधर उधर करके कर लेते हैं सुधा। लोगों के साथ में ऐसा करना चालू किया है और राइटर्स एसोसिएशन ने लगातार अपनी इज्जत बनाई है पिछले 10 सालों में, और जिस तरह से जुड़ाव हुआ है राइटर्स एसोसिएशन में और जिस तरह के प्रोग्राम किए गए हैं, उन सब में प्रोड्यूसर्स को बुलाकर उनके पार्टिसिपेशन करके हमने यही किया है कि हम भाई दो हाथ, राइटर एक हाथ है, प्रोड्यूसर दूसरा हाथ है, हम दो हाथ मिलकर ही कोई काम सही कर सकते हैं। हम प्रोड्यूसर को दुश्मन नहीं मानते, प्रोड्यूसर को अपना दूसरा हाथ मानते हैं, ये मान के काम करते हैं। तो राइटर्स एसोसिएशन ने इज्जत कमाई है, सम्मान कमाया है, हमारे सदस्यों ने सम्मान कमाया है, जिसके बाद में अभी यह हुआ है कि टेलीविजन में तो ये सुनने को बहुत कम मिलता है कि फला आदमी को लिखवा कर पेमेंट नहीं दिया गया। एक दो चैनल ऐसे हैं जिनके खिलाफ कंप्लेंट आती है, लेकिन ज्यादातर जगह अभी माहौल बेहतर हो गया है। चैनल खुद चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बने, कॉन्ट्रैक्ट से काम हो, क्योंकि एक बार सिस्टमेटिक अगर काम होना चालू होगा तो प्रॉब्लम सभी की हट जाती है। चैनल्स को भी काम सीधा मिलने लगता है कि हाँ भाई ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है और ये लोग काम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर के लिए भी आसानी, सबके लिए आसानी हो जाती है। सिस्टम अगर बनता है तो सिस्टम में सब लोग खुश रहते हैं। तो हम वही सिस्टम ही लागू करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ईश्वर ने चाहे तो जल्दी कुछ अच्छी खबर मिलेगी। जी निश्चय ही ऐसा हो, यह सुखद है न सिर्फ लेखकों के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए, सभी पूरे उद्योग के लिए। आगे हम पटकथा लेखन की ओर बढ़ते हैं जो हमारा विषय है। आप मुख्य रूप से धारावाहिकों के पटकथा लेखन से जुड़े हुए जी, दूसरी तरफ कई हमारे लोग, कई लेखक जो यहां भी आए पिछले दिनों, तो वो उनमें से कई दोनों तरफ रहे, फिल्मों के लिए भी पटकथाएं लिखी और धारावाहिकों के लिए भी। तो एक सवाल यह भी है आपसे कि धारावाहिकों के लिए पटकथा लेखन और फिल्मों के लिए पटकथा लेखन, इन दोनों में किस तरह का अंतर होता है? फिल्मों के लिए लिखने में यह है कि आपको एक स्टोरी पूरी अगर सामने है तो आपको वही कहानी को पूरी कंप्लीट करना है और उतने ही सीन में कंप्लीट करना है। लेकिन सीरियल में ऐसी बंधन नहीं होता है, सीरियल में तो जितना चलता जाए उतना चलता जाए, तो इसलिए पटकथा लेखन कई बार सीरियल में फेल जाता है, लोग फैला देते हैं उसको। फिल्मों में तो आपको डिसाइडेड है कि इतने ही सीन होंगे, इतने ही पेज होंगे, आप फोकट ज्यादा लिखोगे तो काट दिया जाएगा। लेकिन सीरियल में ऐसा बंधन नहीं होता है, ये एक बड़ी वजह है, दोनों का अंतर है बड़ा। तो इसी मायने में फिल्मों का पटकथा लेखन भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आपको तांगे से तो बांधा हुआ है, लेकिन तांगा भी एकदम निश्चित दूरी पे जाके रुक जाने वाला है, आपको उतना ही दौड़ना है।
उससे ज्यादा आप दौड़ नहीं सकते, और उसमें ही आपको पूरी दुनिया देख लेना है। धारावाहिक में यह है कि आप गलती सुधार सकते हो, एक एपिसोड में कुछ गलती आपने कर दी है तो अगले एपिसोड में या उसके अगले एपिसोड में आप सुधार सकते, लेकिन फिल्म में जो गलती हो गई वो हो गई, वो तो फिर फिल्म खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। सुधार की कोई संभावना फिल्मों में नहीं होती, जो आपने लिख दिया वो लिख दिया, उसको ही 10-20 बार जितनी बार डायरेक्टर पढ़ेगा और शूट कर देगा तो वो खत्म, वो बिल्कुल पत्थर की लकीर हो जाती है कि ये लिख दिया गया और ये समाप्त हो गया। सीरियल में ये है कि अगली बार कुछ परिवर्तन हो सकता है, यहाँ तो हमें है कि कई बार वो भी नोट भी लगा देते हैं कि अब इस एपिसोड से ये रोल फलाना करेगा और कैरेक्टर भी बदल सकते हैं। फिल्मों में ये सब संभव नहीं होता है, तो ये इस तरह से लेखन दोनों का अलग अलग होता है। जी सर, आपने शुरू में पीए साहब की चर्चा की, जी मनीष गोस्वामी जी के प्रोडक्शन में जो धारावाहिक बना, बाद में उन्हीं के साथ आपने चश्मे बद्दूर, गोस्वामी का चश्मे बद्दूर था, और मिस्टर मिंटो जैसे मिस्टर मिंटो धारावाहिक भी लिखे, तो इनकी पटकथा से संबंधित भी कुछ अनुभव हमसे साझा करें। चश्मे बद्दूर तो एक लेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ सीरियल था, वो ये समझ लीजिए कि मैं इंस्पायर्ड था, लूसी शो देखा करता था, उसके इंसिडेंट्स मेरे दिमाग में होते थे, उसी को किस तरह से इंडियन कल्चर के साथ लिख सकते हैं, ये कोशिश उसमें की थी। बाकी मिस्टर मिंटो तो सीरियस स्टोरी थी, एक बच्चे की कहानी थी, बच्चा कैसे अपने माता पिता को मिलाता है, अच्छा जहां तक मेरा सवाल है, मेरे लिए पटकथा लेखन और कहानी लेखन अलग अलग कभी नहीं था, मेरी आदत थी ड्रामा लिखने की, तो मैं तो शुरू से ही हर चीज पटकथा के स्टाइल में लिखता था, नाटक लिखता था तो वैसी आदत पड़ी, सीन वाइज हर चीज लिखता था, तो मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल है सोचना कि ये पटकथा लेखन था या ये लेखन था, क्योंकि सारा स्टाइल उसी से आता है। पटकथा लेखन एक तरह से नाटक ही होता है, नाटक का ही दूसरा रूप है। और जहाँ कॉमेडी होता था तो आपको एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसमें 30 मिनट आपको निकालने हैं और उसी में हमको इसका फाइनल क्लाइमेक्स क्रिएट करना है, बस यही होता था। हाँ जी सर, जी
धीरे धीरे हम लोग इस चर्चा के कई आयामों को यहां जोड़ पाए, आप रख पाए। जब हम आपके काम को देखते हैं, परिचय को देखते हैं, तो यह भी पाते हैं कि आप एक प्रोडक्शन कंपनी के साथ कई कई धारावाहिकों के लेखन से जुड़े हुए रहे। यह भी एक वजह यह है कि मैंने जी हमेशा जब काम किया तो मैं अपना व्यवहार को संतुलित रखता हूं, ऐसा रखता हूं कि प्रोड्यूसर अगली बार मुझे रिपीट करे, इसलिए उसी प्रोड्यूसर के लिए कई बार लिखता हूं। यहां मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में बिहेवियर की बहुत कीमत है। आपका बिहेवियर अच्छा है तो आपको काम मिलता है, अगर आपका व्यवहार खराब है तो फिर थोड़ी मुश्किल होती है। जी सर, जी आपसे बातचीत करके राजेश जी अच्छा लगा, और कुछ ठोस व्यवहारिक धरातल पर हम इस विधा को, इस क्षेत्र को समझ पाए। जाहिर है कि हमारे जो दूसरे साथीगण हैं उन्हें भी यह बातचीत अच्छी लगी होगी। अब हम लोग अपनी इस बातचीत के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो कृपया हमें अपनी आजकल की गतिविधियों के बारे में बताएं कि आजकल किस तरह का लेखन आप कर रहे हैं। राजेश जी, अभी मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल लिखना चाहता हूं, जिसके लिए कुछ रिसर्च वर्क चल रहा है, जिसको कि माइथो नाम दे दिया जाएगा। थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड तो कुछ लव स्टोरी लिखना चाहता हूं। बाकी तो जो भी काम आता है रास्ते में वो करते ही, बालिका वधू का सेकंड पार्ट लिख ही रहे हैं, बाकी देखें और क्या आएगा रास्ते में, क्योंकि राइटर की मर्जी से तो यहां पर काम चलता नहीं, जरूरत किस चीज की है उससे काम चलता है। जी, और धारावाहिक लेखन के अतिरिक्त क्या फिल्म लेखन के प्रति भी आप कुछ सोचते हैं, उधर भी कुछ रुझान या कुछ अवसर पाते हैं अपने लिए? मैंने दो फिल्में लिख के रखी हुई है, वो जब बिकेगी तो फिर मैं फिल्मों में लिखने का सोचूंगा। अभी तो फिल्में ही वैसे नहीं बन रही कोविड की वजह से। जी जी सर, हाँ जी, एक आखिरी सवाल और फिर हम लोग इस बातचीत को समाप्त कर सकते हैं। जी, जब आप किसी नई कथा या किसी नए धारावाहिक का लेखन करते हैं तो विषय के स्तर पर उसकी सफलता असफलता की आशंका को लेकर मन में कई तरह के ख्याल आते हैं। कई बार हम नए विषय पर जब काम करते हैं या कोई नए प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो मन में एक उत्साह भी रहता है, कुछ आशंकाएं भी रहती, तो इस लेखक के भीतर जो इस तरह के मिले जुले अनुभव होते हैं इसके बारे में कुछ कहें।
भाई मैं सारे सीरियल जो मेरे पास आते हैं वो सबके लिए तो हाँ करता भी नहीं हूँ। मुझे जिन सीरियल में लगता है कि कुछ है इसमें दम, जिस सब्जेक्ट में, वही मैं लिखता हूँ। कि बहुत सक्सेसफुल ना हो तो भी लोग पसंद तो करें कम से कम, ये करके लिखने की मैं कोशिश करता हूँ। आगे भी जो होगा प्रयास यही होगा कि कुछ अच्छी चीज ही लिखूं। अब अच्छी चीज का कोई डेफिनेशन नहीं होती, वो गट फीलिंग होती है, अंदर से लग जाता है कई बार कि हाँ ये अच्छा है या ये खराब है, तो गट फीलिंग से चलता है वो। ठीक सर, ठीक है अर्पण जी जी, अच्छी बातचीत रही। जी और चलते चलते हमारे उन लोगों के लिए जो इस पटकथा लेखन के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आखिरी समय? मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले आप पढ़िए, जब तक आपने पढ़ा हुआ नहीं है तब तक आप लिख नहीं पाएंगे। लोग बिना कुछ पढ़े लिखे आ जाते हैं, पढ़े लिखे मतलब कॉलेज स्कूल के किताबों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लिटरेचर की बात कर रहा हूं। आप लिटरेचर पढ़िए और राइटिंग करने से पहले इसकी ट्रेनिंग लीजिए, हमारे ट्रेनिंग भी होती है, कहीं पे ज्वाइन कीजिए इसकी क्लासेस, थोड़ा सीखिए और फिर लिखने आइए, और लिखते हुए भी पढ़ते रहिए। पढ़ते रहेंगे तो अंदर स्टोर रहेगा तो निकलेगा। आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल है। ये बच्चा है, बच्चा पैदा होता है तो सुन सुन के सीखता है वो, हमें तो कुछ सुनने का मौका नहीं, हमें तो किताबों से पढ़ के और हमारे लिए निकालना है, वो निकालें और लिखना चालू करें हम। और हमेशा सीखने की अपनी एक आदत बना लें, हर चीज से, हर व्यक्ति से सीखने की कोशिश करें। ये जो प्रश्न आया इसका उत्तर चाहिए। जी, बिल्कुल। नहीं, पहले बालिका वधु एक से ये दूसरी श्रृंखला स्टोरी में ही अलग है, पूरी कहानी नहीं है, कहानी कैरेक्टर सब कुछ नया है, सिर्फ बेसिक आत्मा बाल बाल विवाह वही है जिसने कि दोनों को जोड़ा हुआ है, वरना बालिका वधू टू की पूरी कहानी बदली हुई है, परिवेश नया मिलेगा, एक्टर्स नए मिलेंगे, सब कुछ नया मिलेगा। शुक्रिया राजेश जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। जी मित्रों, हम लगातार राजेश दुबे जी से संपर्क में रहे, मुंबई नगरी और फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री में इनकी अपनी व्यस्तता कि हम लोग ज्यादा बातचीत नहीं कर पाए, और एक मोड़ पर यह भी लगा कि इस सीरीज में, इस माह की सीरीज में शायद राजेश जी हमारे लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, मगर अच्छा हुआ कि अंततः इन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और आज हमारे लिए समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण बातचीत की। शुक्रिया राजेश जी।
धन्यवाद जी। और मित्रों इस सीरीज में बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। इस सीरीज में आज अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए शाम 6 बजे शमा जैदी होंगी, उनका भी एक विशद अनुभव है फिल्मों और धारावाहिकों के पटकथा लेखन पर, तो हम उससे बातचीत करेंगे। और फिलहाल इस माह की पटकथा लेखन की सीरीज का शमा जैदी के वक्तव्य के साथ समापन हो जाएगा। आप तमाम रचनाकार मित्रगण साथीगण यहाँ जुड़े रहे, आप सभी का धन्यवाद। और राजेश जी आपने समय निकाला, आपका भी हार्दिक धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आप सबका, दर्शकों का भी धन्यवाद।